हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चिकन कोरमे की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है और बहुत आसान है बनाने में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है 700 ग्राम चिकन, जिसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें नमक ऐड किया है और इसके बाद 2 मीडियम साइज़ नींबू का रस ऐड किया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे चिकन बहुत मॉइस्ट बनता है और जब चिकन पकता है तो वो टूटता भी नहीं है। अच्छे से मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्ची और सूखे नारियल के टुकड़ों का दरदरा सा पेस्ट पीसकर रेडी कर लेंगे। उसके बाद आधे घंटे भिगा के रखे हुए काजू का पेस्ट रेडी कर लेंगे। इससे ग्रेवी एकदम सॉफ्ट बन के रेडी होती है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ प्याज का दरदरा सा पेस्ट पीस कर रेडी कर लेंगे। इसके बाद 250 ग्राम दही लिया है। दही में 2 बड़े चम्मच भुना हुआ धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच काला बिरी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही में कोई लम्प नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक हंडी में 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। इसमें ये कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले का कलर नहीं चेंज करना है, बस उसे 2 से 3 सेकंड हिलाना है। उसके बाद इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे, जिसे हमने दरदरा पीस लिया था। प्याज को 4 से 5 मिनट तक स्लो आंच पर पकाना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें इसका वाइट कोरमा बनाना है। अब इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पर। अब इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। चिकन को उसी के पानी में गलने देंगे। चिकन को स्लो आंच पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से 10 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसे कवर करके 5 मिनट तक स्लो आंच पर पकने देंगे। अब 5 मिनट तक ढक के पकाने के बाद ग्रेवी से तेल सेपरेट हो चुका है और चिकन भी 70% कुक हो चुका है। अब गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसमें मसाले वाले दही का मिक्सचर ऐड करेंगे। फ्लेम हाई नहीं रखेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर दही के फटने के चांसेस होते हैं। अब इसको 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर घोटेंगे। घोटने से प्याज मुलायम होंगी और प्याज और ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ग्रेवी एकदम स्मूथ बन के रेडी होगी। अब इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे और काजू के साथ ग्रेवी को 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर दूध की मलाई ऐड की है 2 बड़े चम्मच। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मलाई ऐड करने से इस ग्रेवी में बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है। अब ग्रेवी को और मज़ेदार और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को कट करके ऐड कर लिया है। आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप और मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब एंड में इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। अब इस स्टेप पे ग्रेवी डन हो चुकी है। अब ग्रेवी को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसे रेस्टोरेंट स्टाइल कोयले का स्मोक देंगे। स्मोक में बटर की जगह जैतून का तेल यूज़ करेंगे। इससे ग्रेवी का टेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप इसे हमेशा घर पर बनाएंगे और रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो चलिए, ये मज़ेदार सी ग्रेवी बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे बना के आपके साथ शेयर की है।
तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।